अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद अशाफी मिस्री हैं और मिस्र के नेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में मैनेजर हैं। आइए उनके एक हादसाती तजुर्बे से कुछ सीखते हैं। वो लिखते हैं, इसी गुजरे 18 मार्च को असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था कि मेरा तवाजुन बिगड़ा, गिरा और पांव टूट गया। हस्पताल गया, एक्सरे कराया। डॉक्टर ने तशखीस की कि पांव में टखने और उंगलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी टूट गई है। पांव पर प्लास्टर टांग और घुटने को मिलाकर चढ़ा दिया गया। डॉक्टर ने नवीद सुनाई कि प्लास्टर 1.5 से 2 माह तक चढ़ा रहेगा। वो कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये डॉक्टर क्या कहता है। बस एक छोटा सा कंकर मेरे पैर के नीचे आया था, ना किसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी है और ना ही मैं किसी ऊंचाई से गिरा हूँ। उस दिन शाम को घर वापस पहुंचने पर मुझ पर बहुत सारी हकीकतें खुलना शुरू हुईं, बहुत सारे सबक और बहुत सारी इबरतें मिलना शुरू हुईं। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझ पर पाँव की अहमियत आश्कार होना शुरू हुई और मुझे अपने पाँव की ऐसी ऐसी खिदमात और ऐसे ऐसे इस्तेमालात का पता चलना शुरू हुआ जिन्हें मैंने आज तक महसूस भी नहीं किया था। मेरे लिए गुसल खाने में जाना ऐसा मिशन बन गया जिसके लिए बाकायदा तैयारी, मनसूबा साजी, तरतीब और शदीद तवज्जो की ज़रूरत ठहरी। वुजू करना, नमाज पढ़ना, हवाइज ज़रूरिया के लिए जाना ऐसे काम बन गए जिनके लिए अच्छी खासी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस हादसे के दूसरे दिन फजर के वक्त गुसल खाने चला गया। वजू के बाद दोबारा ऐसा गिरा कि अभी तक यकीन नहीं आया कि बच कैसे गया हूँ। हालांकि ये वाला गिरना सीधी सीधी मौत या कम अज़ कम फालज था। घर में मेरी अकेले नकल व हरकत बंद हो गई। ज़रूरी ठहरा कि कोई ना कोई मेरी खिदमत या मेरा ख्याल रखने के लिए हमा वक्त मौजूद रहे। सारे घर वालों के लिए बाहर आना जाना बाकायदा सलाह मशवरे, बारी बंदी और तरतीब से मशरूत ठहरा। पूरे घर का निज़ाम इस छोटे से हादसे की वजह से दरहम बरहम हो गया। मेरे लिए गुसल खाना बहुत दूर की चीज़ बन गई और किचन तो जैसे दूसरे बर्रे आज़म पर वाकया कोई मुकाम बन गया। मुझे पहली बार ऐसे लोगों के महसूसात जानने का तजुर्बा हुआ जिन्हें किसी मर्ज ने या उनकी पीरा साली ने बिठा दिया हो, या जिनकी ज़िंदगी दूसरों की मदद की मोहताज बन गई हो, या दूसरों की मदद के बगैर नामुमकिन बनकर रह गई हो। यकीन कीजिए, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक पाँव की इतनी अहमियत भी हो सकती है। मेरा एक पाँव क्या ख़राब हुआ, सारी ज़िंदगी ही मुअत्तल होकर रह गई। मेरा सब कुछ ही बदल कर रह गया। एक दिन कुछ वक्त के लिए घर पर अकेला था। बूढ़ों वाले वाकर को पकड़कर एक टांग के साथ किचन में गया, अपने लिए एक चाय बनाकर हटा तो मुझ पर एक नई और ऐसी हकीकत खुली जो कभी भी मेरे दिमाग में ना आ सकती थी, और वो ये कि चाय का कप पकड़कर वापस कैसे जाऊँ ताकि मज़े से टेलीविज़न के सामने बैठकर पी सकूं। अब ये उकदा खुला कि चाय का कप पकड़कर अपने पैरों पर चलते हुए आना भी एक ऐसी नेमत है जिस पर बहुत से लोगों का ख्याल ही नहीं जाता। एक छोटे से कंकर ने मेरी ज़िंदगी के सारे मामूलात ही बदल कर रख दिए। सुबह को अपने पैरों पर चलकर निकला था, शाम को दोस्तों के कंधों पर सवार लौटा। 2 अप्रैल की रात को मुझे टूटे हुए पैर वाली टांग में शदीद और नाकाबले बर्दाश्त दर्द हुआ। आधी रात को भागम भाग अस्पताल पहुंचे, जल्दी से प्लास्टर काटा गया, सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि टांग की अंदरूनी वरीदों में खून का बहाव रुक गया था जो प्लास्टर के साथ हरकत ना होने की वजह से अमूमन हो जाता है। दर्द की शिद्दत से मैं धाड़े मार रहा था। इस बार मुझे एक नए तजुर्बे से गुजरना पड़ा। मुझे यके बाद दीगरे पेट में कई टीके लगाए गए। इन टीकों का अपना दर्द एक नई क़यामत थी, और इस क़यामत खेज हालत में मैं उस टीके के बारे में नहीं जो मेरे पेट में लगा होता था, बल्कि उस टीके के बारे में सोचता था जो लगाए जाने के लिए अभी तैयार हो रहा होता था। मुझे हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। खांसी का शदीद दौरा पड़ा तो डॉक्टर को शक गुजरा कि वरीदों में खून की रुकावट अंदरूनी सूजन पैदा कर रही है और हो ना हो इस हालत में मेरे फेफड़े मुतासर हो चुके हैं। फिर खालिद अशाफी कहते हैं कि मस्जिद के सामने पाँव के नीचे आने वाला कंकर अब मेरे हलक में अटक जाने वाला कांटा बन गया था। वास और इब्रत की पोस्टें लगाने वाले कातब की ज़िंदगी बजाते खुद खौफनाक किस्म की पोस्ट बनने जा रही थी।
मेरी आंखों के सामने मेरी गुजरी जिंदगी के सारे मनाजिर फिल्म की तरह चलते थे। जो बात रह रहकर याद आती थी वो ये थी कि जब मैं आम सी जिंदगी जीता था तो कितनी बेबहा नेमतों में घिरा होता था। रह रहकर ख्याल आता कि उन नेमतों का वैसा शुक्र अदा क्यों ना करता था जैसा उनके शुक्र का हक बनता था। अस्पताल में मेरे साथ वाले कमरे में दाखिल एक बुजुर्ग के कमरे से अभी अभी इंस्ट्रूमेंट हटा कर ले जाए जा रहे थे। इसका मतलब वो बुजुर्ग अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब तो मुझे भी अपना खात्मा नजर आना शुरू हो गया था। अस्पताल में हर मरीज की सारी जिंदगी जैसे रुकी हुई, सब परेशानियों पर भारी, बस एक परेशानी कि किसी तरह अस्पताल से निकलकर घर पहुंच जाए। मुलाजमीन के लिए मरीजों के दर्द और बीमारियां बस एक काम और रूटीन। इधर ड्यूटी खत्म, उधर वो घर रवाना, भले मरीज की जान ऐसे निकले या वैसे। बहरहाल मैंने जैसे तैसे रात टीकों और सिरिंजों के दर्द सहते गुजारी। जिन्हें रोज टीके लगते हैं उनके बारे में सोच सोच कर मुझे उनसे हमदर्दी महसूस हो रही थी। मेरे सीने के एक्सरेज लिए गए और अब दूसरी सुबह का इंतजार ताकि डॉक्टर नतीजा बताए। दूसरे दिन मेरी सारी जिंदगी डॉक्टर के दो कलमों पर अटकी हुई थी जिसने एक्सरेज देख कर रिपोर्ट देना थी। डॉक्टर एक्सरे उठाए वार्ड में दाखिल हुआ और मैं नतीजा जानने के लिए जां बल्ब सूली पर लटका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरे बिल्कुल क्लियर हैं और इसके साथ ही खौफनाक और ड्रावनी फिल्म का इख्तिताम। अच्छा, असली बात तो अभी वहीं की वहीं। पांव टूटा हुआ, प्लस्तर लगाना ममनू ठहरा। अब पांव के इलाज की जगह वरीदों का इलाज फौकियत पा चुका। मतलब साफ साफ यही बनता था कि अब अपने पैरों पर चलने फिरने के लिए इंतज़ार और भी लंबा होगा। प्लस्तर ना होने की वजह से पांव सूज कर कुपा बन गए, साथ साथ टांग भी नीली पड़ गई थी। सारा जोर एक टांग पर पड़ने की वजह से ठीक वाली टांग के पांव और घुटने में शदीद दर्द रहने लगा। पैरों के बजाय हाथों से सहारा लेने की वजह से हाथ दुखने लगे। हरकत कम हुई तो वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। महीना भर टूटे पांव को हरकत न देने की वजह से पैर के मसल्स तकरीबन मरे हुए जैसे बन गए। इंसान की कमजोरी और ज़ईफ़ी पर पड़ा तो बहुत था, मगर कमजोरी और ज़ोफ ऐसा होता है से वास्ता अब पड़ा था। और ये सिलसिला शैतान की आंत की तरह लंबे से लंबा होता जा रहा था। जब मैं आम बंदे की तरह चल सकूंगा के बारे में सोचना ख्वाब सा लगता था। मुझे रह रहकर याद आता था कि जब कोई मुझसे हाल अहवाल पूछता था तो मैं अक्सर यकसानियत से उकताया हुआ मुख्तसरन कह डालता था कि बस ठीक हूँ। और ये बस ठीक हूँ कितनी अजीम नेमत होती है मुझे अब पता चल रहा था। देखिए, किसी नेमत को बस ठीक है कह देना इंसान को उस नेमत की कदर ही भुला देता है। खबरदार, कहीं ऐसा ना हो कि नेमत की कदर का एहसास उस नेमत के छिन जाने के बाद हो। किसी नेमत को कभी भी इतना हल्का ना लिया जाए कि उस नेमत को नेमत समझने का शऊर ही जाता रहे। फिर खालिद अशाफी कहते हैं कि मुझे बीमारी और जेल की कैद ने ठीक तरीके से इस फरमान का मतलब समझा दिया है कि और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक आदमी बड़ा जालिम ना शुक्रा है। फिर वो कहते हैं कि मेरे फेसबुक की डीपी पर मेरी चलते हुए की फ़ोटो लगी हुई है। मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ और अपनी फ़ोटो पर नज़र पड़ती है तो मुझे अपने बस ठीक हूँ के अल्फाज अजीमुल कदर नेमत लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक और बात बताऊँ, आज 35वां दिन है और अभी तक मेरा माथा सजदे के लिए ज़मीन पर नहीं पड़ सका। चारपाई पर बैठे बैठे वजू और लेटे लेटे नमाज हो रही है क्योंकि अब मेरा बैठना भी मना हो चुका है। नमाज का शौक़ मुझे पागल किए जा रहा है। मुसीबतों के भी क्या रंग निकलते हैं। मुसीबत ताकि सब्र करना आ जाए, मुसीबत जो शुक्र करना सिखा दे, मुसीबत जो अजर व सवाब का बायस बन जाए, मुसीबत जो सरजनश बन जाए, मुसीबत जो गए गुजरे औकात की जांच पड़ताल करना बता दे और मुसीबत जो साबित कदमी सिखा दे। खुदा हमें आजमाइश से बचाए और अगर आजमाइश आ जाए तो उसका सामना सब्र व शुक्र और हिम्मत से करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुजारशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।